रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दा बना रही है। इसके अलावा 22 जनवरी को अयोध्या जाने के निमंत्रण को लेकर भी खूब राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण भेजा गया, लेकिन उन्होंने परोक्ष रूप से निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। हमारा रास्ता धर्म का नहीं है, हमारा रास्ता है समाजवादियों का गैर बराबरी दूर करने का। हमारा रास्ता वही है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिखाया, हमारा रास्ता वही है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिखाया। हम उसी रास्ते पे चलेंगे जिस पर नेताजी ने हम लोगों को संघर्ष कर करके चलाने का काम किया है। सर, विश्व हिंदू परिषद के आलोक जी ने ये बात कही कि प्राण प्रतिष्ठा में आपको निमंत्रण मिला। मैं इनको नहीं जानता हूँ, न मेरा इनका कोई परिचय है। न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो पर्चे वाले हैं, हमारे हिंदू हमारे व्यवहार में यही माना जाता है जो पर्चे जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। अखिलेश यादव की इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने टिप्पणी की है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि राम नाम से इतना बैर ठीक नहीं है। अखिलेश जी, जाते या ना जाते, निमंत्रण तो ना ठुकराते। क्योंकि अखिलेश यादव जी को भगवान के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण मिला, ये उनका परम सौभाग्य का विषय है, लेकिन निमंत्रण को ठुकराना परम दुर्भाग्य का विषय है। कोई भी हिंदू भगवान के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निमंत्रण को ठुकरा नहीं सकता, ये बड़ा विषय है। मैं बहुत पीड़ा में हूं, मुझे बहुत कष्ट है। मैं जानता हूं कि अखिलेश यादव जी हिंदू विरोधी नहीं है, उनका परिवार बहुत संस्कारवान है, लेकिन ये बड़ा भारी दुर्भाग्य का विषय है कि उन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया है। प्रायश्चित करने का एक मौका था, वो भी गंवा दिया। अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को अपना भगवान बताया है। वहीं सपा दफ्तर के बाहर भगवान राम के होर्डिंग लग गई है। इनमें अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तस्वीर है और लिखा हुआ है कि आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। इसे सपा युवजन सभा के पूर्व सचिव आशुतोष सिंह ने लगाया है। इसमें अखिलेश यादव की तस्वीर भी लगी हुई है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भाजपा पर राम मंदिर को लेकर निशाना साधा। सीएम ममता ने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए नौटंकी कर रही है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मैं इस उत्सव पर विश्वास रखती हूँ और जो सभी को साथ लेकर चले, सबके बारे में बात करे। आपको जो करना है करिए, आप चुनाव से पहले नौटंकी कर रहे हैं करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों की अवहेलना करना सही नहीं है। मैं ईश्वर अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि जब तक मैं रहूंगी तब तक कभी हिंदू मुसलमान में भेदभाव करने नहीं दूंगी। बता दें कि श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार समेत कई विपक्षी नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। बताते चले कि इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम मोदी मुख्य यजमान होंगे।